गुड इवनिंग। आज हम करेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का टेस्ट नंबर 16। और इस टेस्ट के अंदर हम 30 एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो करने वाले हैं। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इवन नंबर। इसको हिंदी में बोलेंगे कि इन ये जो आपको चार नंबर गिवन है ना, इनमें से हमें स्क्वेयर करना है चारों के चारों नंबर का, और जो स्क्वेयर करके जो आंसर आएगा ना वो किसका आंसर एक इवन नंबर आएगा। और मैंने आपको तरीका बता रखा है, अगर आप इवन नंबर का स्क्वेयर करोगे तो वो हमेशा इवन आएगा, और अगर आप ओड नंबर का स्क्वेयर करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा। जैसे हम ये लिखते हैं ब्रैकेट में कोई इवन नंबर आप लिख दो और उसका स्क्वेयर करो तो आंसर पता है क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। अगर यहाँ पे ओड लिख दो और इसका स्क्वेयर करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका ओड आएगा। तो आपको क्या चाहिए, इवन, तो नंबर भी कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और इन चारों में से एक ही नंबर ऐसा है जो कि इवन है। अच्छा आप सोचोगे कि इवन ओड की पहचान कैसे होती है। अगर देखो नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट, जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, अगर ये लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तो नंबर क्या होता है, आपका इवन होता है। और बाकी जितने भी डिजिट रह गए, आपका 1 रह गया, 3 रह गया, 5, 7, 9, ये क्या होते हैं, आपके ओड होते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखो द स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड, यानी कि इनमें से किस नंबर का स्क्वेयर करने पे आंसर ओड आएगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर आप ओड नंबर का स्क्वेयर करोगे तो आंसर भी आपका क्या आएगा, ओड आएगा। एक ही इस क्वेश्चन में क्या है, ओड नंबर है। देखो 7 है ना लास्ट में, 7 क्या होता है आपका, ओड। बाकी देखो 2, 2 क्या होता है, इवन होता है, 2 क्या होता है आपका, इवन होता है, और लास्ट में 0 आ गया तो ये नंबर भी क्या है, आपका इवन है। एक नंबर ऐसा है जो ओड है, इसका अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर के लिए। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ 99 एंड 100। इसका मतलब ये है कि देखो आप 99 का स्क्वेयर करोगे कुछ भी आंसर आएगा। ठीक है, मान लो 9801 आता है इसका आंसर, फिर आप 100 का स्क्वेयर करोगे इसका आंसर कितना आता है, 10,000। ये कहता है 9801 और 10,000 के बीच में कितने नंबर होते हैं, यानी कि एक नंबर मैंने लिख दिया इस कॉर्नर पे और एक नंबर मैंने लिख दिया इस कॉर्नर पे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनके बीच में कितने नंबर है। आप है ना रोल नंबर मान लो कि ये एक बच्चे का रोल नंबर है, फिर इसके बाद रोल नंबर आएगा 9802, फिर आएगा 9803, फिर आता है 9804, इस तरह से लास्ट में कितना आएगा आपका, 10,000। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में ये ब्लैक वाले कितने नंबर है आपको ये बताना है। देखो आपको मैं सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 2 और 4 के बीच में कितने नंबर है, आप आराम से बता दोगे कितना नंबर है, सिर्फ एक। मैं कहूँ आपको कि 2 और 6 के बीच में नंबर कितने हैं, आप कहोगे जी एक 3 है, एक 4 है और एक कितना है, 5 है। तो मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताता हूँ आपको। देखो 2, 4 में से 2 माइनस कर दो, 4 में से क्या माइनस कर दो आप, 2, और उसमें से देखो 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आया, 2 आया, लेकिन इनके बीच में नंबर कितने हैं, सिर्फ एक। तो यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से एक आपको और माइनस करना पड़ेगा। ऐसे देखना 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, सिर्फ 3, लेकिन अगर आप 6 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर तो कितना आता है, 4 आता है। तो आपको जो भी आंसर आपका आता है उसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आंसर सही आएगा ना। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन में कहता हूँ कि हमने इसका स्क्वेयर किया तो 10,000 में से आप क्या करो, 9801 माइनस करोगे तो 199 आएगा, लेकिन आंसर क्या होता है फिर, इसमें से एक क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो बेसिक है ना वो तो ये है, लेकिन आपको इतना बड़ा करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कराता हूँ एग्जाम मेथड कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे। देखो सीधा सीधा मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर करो भी तो इतना कर देना, ये जो दोनों नंबर गिवन है ना आपको, इन दोनों को ऐड कर दिया करो और उसमें से क्या कर दो, एक माइनस कर दो। ठीक है, तो 99 और प्लस ये भी कितना होएगा, 99 होएगा ना, तो यानी कि 198। देखो आंसर तो वही आया ना, 198। एक तो ये तरीका है, दूसरा और तरीका, आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ मैं, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 99, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तब भी आंसर आपका कितना आएगा, 198 आएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट आप मेरे को खुद बताओ, 12 और 13 इन दोनों के स्क्वेयर के बीच में कितने नंबर होंगे, या तो दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दो, है ना, या फिर क्या कर दो आप, छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 24। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया एक नंबर का तो आपका सबका सही होगा।
अब देखो इसमें क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में कि कन्वर्ट करो 3:4 को परसेंटेज के अंदर। रेशियो को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो ना तो बस आप उसको 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर लेना। लिख लो रूल, ये रूल छोटे छोटे लिख लिया करो, ठीक है। क्या लिखोगे आप? रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आएगा। देखो 3:4 का मतलब पता है क्या होता है? 3:4 का मतलब है 3/4। जैसे आपके टीचर ने आपका 4 मार्क्स का टेस्ट लिया और आपके मार्क्स आए कितने? 3। तो वो ऐसे लिखेगा कि 3/4 मार्क्स आए आपके, लेकिन आप टीचर से कहते हो कि सर आप हमारे को ये बता दो कि हमारे नंबर है ना परसेंटेज की फॉर्म में कितने आए हैं। तो वो टीचर पता है क्या करता है, ये 3/4 लिख के और आपके मार्क्स को 100 से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा और परसेंटेज में आंसर बता देगा। 4 पे काटोगे 4 बन जा 25, 4 जा, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 75। तो यानी आपके मार्क्स कितने आए हैं कुल मिला के, 75% आए हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होएगा, ठीक। आज के बाद आपको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, गिवन रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने तक नीचे क्या लगा दिया करो, 1 लगा दिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन है अब आपका, बताओ इसमें क्या आएगा, 4:5 है, पहले 4:5 को क्या देखोगे, 4/5। अब आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। अब आप इसको काट लो, 5 1 जा 5 20 जा, तो 4 × 20, 24 जा कितना होता है 80। 80% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। इसमें देखो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस का मतलब समझ गए ना, जो किसी आर्टिकल के ऊपर टैग लगा होता है, ठीक है। जैसे हम दुकान से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, आप ड्रेस खरीदने जाते हो, शूज खरीदने जाते हो, मान लो एक आपने ये कोई भी आर्टिकल है ये खरीदने आप दुकान पे गए और दुकानदार ने कहा कि जो इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है ना वही दे दो, इसके ऊपर ये टैग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये टैग, और इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है 250। लेकिन आप दुकानदार से कहोगे नहीं आप मेरे को कुछ क्या दो, डिस्काउंट दो, दुकानदार ने आपकी बात मान ली और उसने आपको 20% की क्या दे दी, डिस्काउंट। लेकिन आप कहोगे डिस्काउंट मेरे को ये बता दो रुपीज में कितनी है, 20 रुपये है, 30 रुपये है, तो वो दुकानदार क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, क्या कैलकुलेट करेगा, 20% किसका करेगा, फिर 250 का। और 250 का 20% कैसे निकालते हैं, 20/100 इंटू में 250। आप क्या करो, बस 1 0 1 0 1 0 1 0 है ना, यानी कि 2 × 25, तो आंसर कितना आएगा आपका 50, यानी कि 50 रुपये की आपको क्या मिल जाएगी, डिस्काउंट। अच्छा आपको पे कितना करना पड़ेगा, फिर अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, अमाउंट पेड बाय दी कस्टमर, अमाउंट पेड बाय दी कस्टमर, देखो 250 रुपये का सामान था उसमें से 50 रुपये हमारे को डिस्काउंट मिल गई, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 200 रुपये। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 50 रुपीज, ठीक है। क्यों, इन्होंने पूछा है सिर्फ डिस्काउंट बताओ रुपीज के अंदर, तो 50 रुपीज की डिस्काउंट होगी बस। अब देखो 7th क्वेश्चन, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ 10,000 प्रिंसिपल है, रेट भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, आप बस मुझे फॉर्मूला बता दो। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यानी कि जो आपको प्रिंसिपल गिवन है, जो भी आपको रेट गिवन है और जो भी आपको टाइम गिवन है, तीनों को मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या कर दिया करो, डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, क्या बच गया, 100 × 50 × 2 जा कितना होता है 30, और 3 और 1 2 3, 1 2 3, तो 3,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में कई बार है ना ये भी पूछ लेता है कि अमाउंट बताओ कितनी होती है। अमाउंट का मतलब होता है आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधार लिए और 2 साल के बाद 3,000 रुपये आपको क्या पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल कितने पैसे आप रिटर्न करोगे अपने दोस्त को, 10,000 तो आपने उससे लिए थे, वे 3,000 इंटरेस्ट के, टोटल कितने हो गए 13,000। तो इस 13,000 को ही क्या बोलते हैं, अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यही क्या होती है आपकी अमाउंट होती है, ठीक है। तो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा था तो कितना आ गया आपका, 3,000 आ जाएगा। अब इसमें देखो ये कहता है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल में क्या होती है बताओ, एक टर्म होती है, बाइनोमियल में क्या होती है, दो टर्म्स होती है, ट्राइनोमियल में क्या होती है, तीन टर्म्स होती है। लेकिन
अगर आप इसमें देखो तो कितनी टर्म है, 1, 2, 3, 4, ये तो चार टर्म है। तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, आप मोनोमियल बोलोगे, ट्राई बोलोगे या बाइनोमियल बोलोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, नन ऑफ दीज, यानी कि इसको हम ना तो बाइनोमियल कह सकते ना ट्राइनोमियल कह सकते ना मोनोमियल कह सकते। तो आप कहोगे सर फिर आप इसको क्या बोलोगे, मैं कहता हूँ इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल। देखो हालांकि ये जो एक टर्म वाला होता है ना मोनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल होता है, ये भी पॉलिनोमियल होता है और ये भी पॉलिनोमियल होता है, लेकिन इनके स्पेशल नाम है। इस पॉलिनोमियल का स्पेशल नाम क्या है, मोनोमियल। जैसे क्लास में लड़के हैं, सबके नाम लड़के तो होते ही होते हैं, जो भी लड़के हैं उनको हम लड़का तो बोलते ही हैं, लेकिन फिर भी उनका क्या होता है, स्पेशल नाम होता है ना। किसी का विकास है, किसी का राहुल है, किसी का पारस है, ऐसे ऐसे ही ये क्या होते हैं, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन फिर भी इनके स्पेशल क्या है, नाम है। अगर इसमें एक टर्म होगी तो हम इसको मोनोमियल बोलेंगे, दो वाली को बाइनोमियल, तीन वाली को ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा कुछ भी आ जाए उसका स्पेशल नाम नहीं है, उसको कॉमन हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है। देखो टर्म का मतलब सिर्फ ये होता है, ये पूरी एक टर्म होती है ना, एक ये और एक ये, तो कितनी टर्म है बताओ, यहाँ पे तीन टर्म्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, देखो आप रेक्टेंगल बनाओ, ये रेक्टेंगल बना दिया, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस। लेंथ को क्या लिख दो 2p और ब्रेथ को कितना लिख दो 8p2q। तो बताओ मेरे को एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये कितनी है 2p, और इंटू ये कितनी है 8p2q। अब देखो बच्चों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में क्यों गलती करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये 2 8 जा कितना होता है 16। अच्छा क्या आपको पी की मल्टीप्लाई और पी स्क्वेयर क्यू से नहीं करनी आती, पी की मल्टीप्लाई पी स्क्वेयर से करोगे तो पी की पावर कितनी होगी, 3, पावर ऐड हो जाती है ना, और क्यू अकेला है तो क्यू अकेला रह जाएगा बस। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 16p³ × q। 11th क्वेश्चन देखो, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, सबसे पहले तो बस यूलर फॉर्मूला कहीं पे भी आ जाए ना, आप लिखा करो बाय यूलर्स फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला होता क्या है, एफ प्लस वी इक्वल टू होता है ई प्लस टू। याद रखने का तरीका मैंने बता रखा है, तीन ये डिजिट हो, तीन अल्फाबेट होते हैं ई एफ और वी, सबसे छोटा कौन ई, क्योंकि ये सबसे पहले आता है, तो ये क्या है बताओ सबसे छोटा, ये क्या है सबसे छोटा, ये बाकी रह गए बड़े, इन दोनों बड़ों को एक साथ ऐड कर दो ठीक है, और छोटे वाले में दो और ऐड कर दो, तो ये क्या होएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे ठीक है। आपको क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ एजिज, नंबर ऑफ एजिज यानी कि ई की वैल्यू निकालनी है, ऑफ ए पॉलीहेड्रन हुज नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ फेसिस का मतलब एफ है ना, एंड नंबर ऑफ वर्टिसिस का मतलब वी, कितना है 8। आपको निकालना क्या है बताओ, ई निकालना है। आप मुझे बता दो बस कि फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू होता है, एफ कितना 6, वी कितना 8, ई कितना ई, ये कितना आ गया आपका 14। तो देखो ई प्लस टू को आप क्या लिख सकते हो 14, तो ई कितना होगा, ये प्लस का 2 उधर आके क्या होगा माइनस का 2, तो एजेस कितने आ जाएंगे आपके 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका, 12 आ जाएगा बस। इसमें देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस दे रखा है आपको और क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। आप क्या किया करो, देखो पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर टिक करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे अच्छे से डायग्राम बना के सब कुछ समझ के, ताकि आपके दिमाग में रहे चीजें। ये इसकी होती है हाइट, जो स्ट्रेट होती है बिल्कुल, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल होता है, ये क्या होती है हाइट होती है। कितनी है हाइट बताओ इसकी, 20, और इसको हम क्या बोलते हैं बेस, बेस कितना है इसका 24। आप मुझे बता दो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, सीधा सीधा क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस 24 इंटू हाइट कितनी 20, आप 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो 48 और एक जीरो और लगा दो सेंटीमीटर स्क्वेयर, आंसर कितना आएगा आपका 480 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सिर्फ आपको हाइट को और बेस को मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखो फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगनल्स आर दिस एंड दिस। तो मुझे बताओ जब रोम्बस के आपको डायगनल्स गिवन हो तो एरिया क्या होता है। मैं कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, फॉर्मूला हर एक में लिखा करो, फिर आपको याद होएगा। दोनों डायगनल की मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो ठीक है, करो मल्टीप्लाई 7.5
इंटू 12, और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब पहले इसको कट करो, 2 6 जा कट गया, 7.5 इंटू 6 आ गया। अब आप क्या करो, इसको पॉइंट को हटा दो, इसको क्या 75/10 लिख दे। अब इसको 2 पे काटो, 2 3 जा 2 5 जा 5 1 जा 15 5 जा 75, आंसर कितना आ गया 15 इंटू 3, और 15 3 जा क्या होता है 45, 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड 5 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। देखो एरिया ऑफ रोम्बस के निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। अगर दोनों डायगनल गिवन हो तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, अगर एक साइड दे रखी और एक ऑल्टीट्यूड, तो देखो क्या होता है। मैं एक रोम्बस बना के आपको दिखा देता हूँ, ये रोम्बस होती है, इसका हमने नाम दे दिया ABCD। अब इसकी साइड, साइड चारों इक्वल होती है रोम्बस की, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो 4.8, ये वही जैसे हमने अभी पीछे पैरेललोग्राम की फिगर बनाई थी ना, बिल्कुल सेम वही डायग्राम है। ये हाइट है कितनी है 4.8। आप बस मुझे ये बता दो, पैरेललोग्राम का एरिया हमने कैसे निकाला था, बेस और हाइट दोनों की क्या करी थी मल्टीप्लाई, सेम वही काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, जब देखो आप डायग्राम बनाओगे ना, आपको बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ें याद रहेगी। फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट, चाहे पैरेललोग्राम का निकालना हो चाहे किसका निकालना हो आपको, रोम्बस का। देखो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन जो रोम्बस होती है, जो रेक्टेंगल होता है और जो स्क्वेयर होता है, इनको भी हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम ही बोलते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, अगर ओपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हो जाए ना, तो उसी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और रोम्बस के भी ये और ये साइड पैरेलल होती है, और ये साइड पैरेलल होती है, मतलब कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। और पैरेललोग्राम जो भी फिगर है उसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना 5 और हाइट कितना 4.8। तो देखो 4.8 को क्या कर लो, 48/10 लिख दो। आप इसको पॉइंट को हटा दिया करो, 5 2 जा 2 पे काटोगे 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, एरिया ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है, एक डायगनल दे रखा है 16, दूसरा डायगनल पूछ लिया। देखो रोम्बस के 2 ही डायगनल होते हैं, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको डायगनल क्वेश्चन में गिवन हो, यानी कि डायगनल का जिक्र हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, D1 × D2 / 2। एरिया कितना बताओ 240, और फर्स्ट डायगनल कितना है 16, सेकेंड डायगनल पता ही नहीं है, और अपॉन में कितना है 2। आप पहले तो इस 16 को 2 से काट दो, 8 पे कटेगा, तो कितना आ गया आपको बताओ, 8 × D2 = 240। लेकिन आपको तो सिर्फ क्या चाहिए, D2, ये मल्टीप्लाई में 8 है, उधर आगे क्या होएगा डिवाइड में, तो कितने पे कट जाएगा ये 30 पे। इसका मतलब अदर डायगनल, जो आपका सेकंड डायगनल पूछा है ना इसने, वो कितना होगा आपका 30 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। 16th क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो नॉन जीरो हो, वो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। देखो पॉइंट के 2 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे ये पॉइंट होता है, मान लो ये 2 है और ये कितना है 3 है। आप मुझे बताओ इस 2 को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इस 3 को क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ना 0 है, यानी कि ये क्या है 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 2 भी हो सकता है, 0.3, 0.4, ऐसे पॉइंट है। और ऐसे पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, और बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपको 15 चैप्टर में ये चीज़ पढ़ाई है कि जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो वो पॉइंट कहाँ पे होगा बताओ, वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। ये किस पे होगा फिर, वाई एक्सिस पे। आप रूल लिखना चाहो तो लिख लो अलग से, जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है, वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस पर लाई करता है। और सेकंड पॉइंट भी लिख लो, जिस पॉइंट का, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात करी थी, जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा
तो वो पॉइंट फिर कहाँ पे होगा बताओ, एक्स एक्सिस पे होगा, वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो ये दोनों पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल दे लो एक एक, एग्जाम्पल आपके एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब 0.1 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.100 हो सकता है, कितना भी हो, ठीक है। फिर वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0, ये कुछ भी हो सकती है, 1, 2.0, 3.0, 4.0, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं पॉइंट ये। 17th में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजन, ओरिजन आपको पता है क्या होता है, आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा पॉइंट जो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0.0, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0। स्टार बना के पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, आपस में मिलना, आपस में एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजन बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम होता है क्या, ओरिजन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजन इक्वल होते हैं क्या, 0, 0। देखो ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना स्टार बना के, ये एक जगह पे लिख लो, और मैं कहता हूँ जब आप रिवीजन करोगे ना, आपको मजा आएगा कि पहले ये चीज़ें पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे को वैसे ही आते हैं बिना सोल्व करे, ठीक है। ओरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, 0.0 होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक और लिख लो इसमें स्टार डाल के, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है बताओ, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है आपका, वर्टिकल लाइन। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, इसका नाम होता है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है आपका, वर्टिकल लाइन होता है। ये क्वेश्चन था आपका 17th। अब इसमें कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वेयर रूट जब हम करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, इसमें कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने क्या बताया था, इसको 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, 3, आंसर आ गया आपका 3। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 324। आप निकाल के नहीं देखोगे पेपर में, मैंने कहा था 26 तक तो आपको स्क्वेयर याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे 17 का स्क्वेयर कितना होता है, 289 होता है, 18 का स्क्वेयर कितना होता है आपका, 324 होता है, तो फिर 324 का स्क्वेयर रूट कितना होगा, 18 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अच्छा आपको नहीं पता, मान लो नहीं भी याद बाई चांस, तो क्या है, आपको निकालने के दो दो मेथड बता रखे हैं मैंने, 2 पे काटो, फिर 2 पे काटो, फिर 3 पे काटो, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर 3 से करो, तो 324 को आप क्या लिखते हो बताओ, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, और दोनों तरफ क्या कर दो, अब स्क्वेयर रूट लगा दो, और इनमें से एक 2 बार आएगा, एक यहाँ से 3 बार आएगा, एक यहाँ से 3 बार आएगा, पेयर में से बाहर आते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका 18 आएगा। और ये मेथड नहीं पता तो फिर आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। स्क्वेयर रूट तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, कहने का ये मतलब है मेरा। फाइंड द रेशियो ऑफ, देखो इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, आपको 50 पैसे और 50 रुपीज़ का रेशियो निकालना है। अगर ये पैसे है ना, इसको भी क्या बनाओ, पैसे बनाओ। आप मेरे को बता दो बस, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो फिर ये 50 रुपये है अपने पास, तो 50 रुपये में कितने पैसे होंगे। आप कहोगे सर 50 के आगे है ना 2 जीरो लगा दो, उतने ही क्या होते हैं आपके पैसे, ठीक है। फिर आपसे रेशियो पूछा है, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड का मतलब होता है हम क्वेश्चन वाले को कह रहे हैं कि जो भी आपने हमसे पूछा है ना, अब हम उसका आंसर देने जा रहे हैं। पहले 50 पैसे है तो 50 पैसे को ऊपर लिखो, फिर 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 5,000 पैसे, इसको नीचे लिखो, जिसका नंबर पहले वही पहले लिखा जाएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत। 0 कट गई, 5 1 जा 5 1 जा, और 1 2 1 2, यानी कि 1/100, और 1/100 को क्या बोलते हैं, 1:100। ये इस क्वेश्चन का आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। देखो इसमें क्या कहता है, 72% निकालना आपको 200 का, तो 72% 200 का ऐसे ही निकलता है। इसको 0 से 0 काट दो, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 144 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा।
इसमें कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों की आपको जस्ट क्या करनी है मल्टीप्लाई, माइनस फोर पी मल्टीप्लाई करनी है 8 PQ से। देखो मल्टीप्लाई में एक तो आप साइन देखा करो कि प्लस का आएगा या माइनस का, पूरी मल्टीप्लीकेशन में माइनस के कितने साइन मौजूद है, एक, तो आंसर क्या आएगा माइनस का, दो होते तो माइनस माइनस क्या हो जाते प्लस। अब देखना 4 × 8 और फिर यहाँ पे क्या है पी है और यहाँ पे क्या है पी क्यू है। अब देखो माइनस 4 × 8 का कितना होता है 32। अभी मैंने आपको क्या बताया था पी की मल्टीप्लाई पी से करोगे तो पी स्क्वेयर आएगा और क्यू अकेला है तो अकेला रह जाएगा, आंसर कितना आ गया आपका माइनस 32 PQ2। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 × 2 कितना होता है 10, ए की पावर मैंने क्या कहा था जितनी भी पावर है ना ऐड कर दो, 2 फिर 26 फिर 28, बताओ कितना हो गया 10 × 26 और 2 कितना होता है 28, और 28 में 28 ऐड करोगे तो कितना होता है 56 होता है, तो 10 × a^56 आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो आपको प्रोडक्ट निकालनी है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर, लेकिन आप जो है आसानी से समझाऊंगा मैं। देखो 5m की मल्टीप्लाई 2 − 3m से, आप है ना एक साथ आंसर मत लिखा करो, आप 5m की मल्टीप्लाई इस 2 से क्या करो, बीच में साइन माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 5m फिर से लिखो और इसकी मल्टीप्लाई किससे करो 3m से करो। अब बताओ इनकी मल्टीप्लाई 5 × 2 कितना होता है 10 और 5 × 3 कितना होता है 15 और m × m कितना होता है m², तो बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट डाउन यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, f प्लस में v इक्वल होता है किसके e प्लस में 2, ये आपको याद होना चाहिए। 27th में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब व्हिच ईच साइड इज 10 cm, आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, जितनी भी साइड होना उसको 3 बार क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 कितना होता है 100 और 100 को 10 से करोगे कितना आएगा 1000 cm³, आंसर कितना आएगा आपका बी। इसमें कहता है इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7, आपको रेडियस दे रखी है, एरिया निकालना है और सर्कमफेरेंस निकालनी है, सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए फॉर्मूले, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है, पाई कितना 22/7 इंटू आर स्क्वेयर का मतलब क्या होता है कि जो आर है ना उसको 2 बार क्या कर दो मल्टीप्लाई, 1 7 कट जाएगा 22 × 7 और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 154 cm है, तो एरिया किस में आता है cm² में। एक क्वेश्चन खत्म, फिर क्या निकालना है अपने को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बताओ क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का 2πr यानी कि 2 × π और इंटू में आर, ये होता है फॉर्मूला। देखो 7 से 7 कट गया 2 × 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 और देखो सर्कमफेरेंस सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, लेकिन एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वेयर में आता है, लेकिन सर्कमफेरेंस नहीं, सर्कमफेरेंस की यूनिट वही होती है जो रेडियस की या डायमीटर की होती है, सिंगल होती है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वेयर नहीं होता। इसमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, आप मुझे ये बता दो बस क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती कितनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला बता रखा है L × b × h यानी कि इसकी जो लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है हाइट होती है तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, LbH दे रखा है अपने को कितना, एक 80 एक 30 एक 40। देखो आप इसमें ना मिस्टेक मत किया करो, पहले आप रफ में 8, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर लो, बस 8, 3 जा कितना होता है 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आ गया, जीरो कितनी है 1, 2, 3 मीटर है, तो वॉल्यूम हमेशा किस में आती है क्यूब में, तो मीटर क्यूब आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करना बहुत आसान होता है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा कि जब भी दो टर्म होना तो सिर्फ और सिर्फ ए की फॉर्मूला लगता है फैक्टराइजेशन में, a² − b² क्या होता है a − b × a + b, तो आप है ना इसको पहले इसको स्क्वेयर बनाया करो, किसका स्क्वेयर होता है ये 4 का स्क्वेयर, बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं वो सिर्फ है ना 4 लिख देते हैं, लेकिन ये 4 का क्या है स्क्वेयर है, 4 का स्क्वेयर करोगे तभी तो 16 आएगा ना। अब क्या किया करो, दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में साइन किसका आएगा मल्टीप्लाई का, एक एक्स लिखो एक 4 लिखो, एक एक्स लिखो एक 4 लिखो, एक बार बीच में क्या लगा दो प्लस का साइन और एक बार क्या लगा दो माइनस का, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट, ये आपका है 64x² − 100, वही दो टर्म है, ये 8 का स्क्वेयर होता है यानी 8x² और ये 10 का स्क्वेयर होता है, तो दो ब्रैकेट लगाओ
एक बार लिखो 8x, यहाँ पे भी 8x, एक बार लिखो 10, यहाँ पे भी 10, और दोनों के बीच में एक बार साइन किया प्लस का और एक बार साइन किया माइनस। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार कि प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। मल्टीप्लाई लगता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन हम लगाते नहीं है। जैसे एक्स प्लस 4 × x + 5 लिखना हो ना, या फिर ऐसे लिख दो इसको, एक्स प्लस 4 × x + 5, एक ही बात है। लेकिन हम इस साइन को क्या है, कभी भी लिखते नहीं है। ये अंडरस्टूड होता है कि बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखो, इनसे आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो होगी होगी, साथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 40 नंबर के आएंगे ना पेपर में, उसके जो फॉर्मूले होते हैं, उसको सोल्व करने का तरीका होता है, वो भी आपको अच्छे तरीके से क्या है, याद हो जाएंगे फॉर्मूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।